गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का सिक्स पॉइंट मैथ्स का चैप्टर हम सिक्स कर रहे हैं जिसका नाम फ्रैक्शन है। इसकी 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इवेल्युएट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको इवेल्युएट करना है, मतलब इनको प्लस करना है और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में इनका आंसर देना है। तो 2/11 प्लस 7/11 है, तो इसको हम इसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा कि 2 प्लस 7 कर देंगे और अपॉन में 11 कर देंगे। इसके 11 जो है हमारा डेनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5/16 प्लस 9/16। तो इसमें जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे ऊपर वाले ऐसे ही प्लस हो जाते हैं। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन करें, 5 + 9/16 = 9 और 5 को प्लस कर देंगे 14 आ जाएगा, 14/16। 14 और 16 जो है वो हमारे दोनों डिजिट जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर है यानी 4 और 6 है लास्ट में दोनों के, तो ये हमारे जो एक ही टेबल से कट जाएंगे दोनों। तो 2 7 = 14, 2 8 = 16 काट देंगे इन्हें, डिवाइड कर देंगे, 7/8 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है जो 4/17, 2/17 और 5/17। तो इसमें भी हमारे डेनोमिनेटर सेम है, तो इनके हम जो न्यूमरेटर है उनको प्लस कर देंगे सिर्फ। 4 + 2 + 5/17, 4 + 2 = 5 को प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, 11/17 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे इसका, और इसी तरीके से इसके सारे फिफ्थ और सिक्स भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग। तो इनको भी हमें ऐड ही करना है, ये भी हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना है। 2/3 + 4/1/4,